तो हेलो गाइस, आज का अपना टॉपिक है बेसल गैंगलिया। और यार, ये जो बेसल गैंगलिया ये जो टॉपिक है ना, ये यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि क्या होता है, अपने न्यूरो एनाटॉमी के आगे के जितने भी टॉपिक्स हैं ना, उसमें इस बेसल गैंगलिया का कंसेप्ट आपका बिल्कुल यूज़ होता ही होता है हर जगह। जैसे कि अभी अपन इंटरनल कैप्सूल पढ़ेंगे, लेटरल वेंट्रिकल पढ़ेंगे, तो उन सब में अपन को ये बेसल गैंगलिया का कंसेप्ट जो है वो यूज़ होता है। तो आज की वीडियो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं। तो यार, ये बेसल गैंगलिया या फिर अपन इसे बेसल न्यूक्लियाई भी बोल सकते हैं। तो ये होता क्या है, अगर मैं आपको इसको सिंपल मीनिंग बताऊँ ना, तो क्या होता है, ये जो अपना ये जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है ना, इस सेरेब्रल हेमिस्फीयर के डीप में कुछ अपन को यहाँ पे स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं अपने ग्रे मैटर के, उसे अपन बोलते हैं बेसल गैंगलिया। तो यार, जैसे कि अपन को पता है कि अपना जो पूरा ब्रेन है वो दो मैटर से मिलके बनता है, एक वाइट मैटर और एक ग्रे मैटर। तो ये जो बेसल गैंगलिया है ना, वो अपना एक्चुअली में इस ग्रे मैटर से बनते हैं। तो मैं आपको उसको दिखाने के लिए यहाँ पे दिखाता हूँ। ये मेरे फ़ोन में आप देखो, ये अपना है 3D मॉडल। ये दोनों अपने हैं सेरेब्रल हेमिस्फीयर। तो मैं क्या करता हूँ, उनमें से एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर को आपके लिए हाइड करता हूँ, ताकि अब आपको पूरा अच्छे से दिखाई पड़े। तो अब आप खुद देखो, अपने इस सेरेब्रल हेमिस्फीयर के डीप में ये जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है ना, इसी स्ट्रक्चर्स को अपन बोलते हैं बेसल गैंग्लिया। तो यार, अभी अपन क्या सिर्फ बेसल गैंग्लिया की पूरी एनाटॉमी पढ़ेंगे, इसके फंक्शन वगैरह मैं अभी आपको नहीं बता रहा, क्योंकि इन सारे इनके फंक्शन अपन पढ़ते हैं फिजियोलॉजी में। अभी अपन इसके एनाटॉमी इसलिए पढ़ रहे हैं यार, क्योंकि क्या होता है, इनके क्लिनिकल्स वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब आप सर्जरी वगैरह करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि बेसल गैंग्लिया कौन से स्ट्रक्चर के साथ रिलेशन बना रहा है। और जब अपन फंक्शन भी पढ़ते हैं ना, तब भी आपको जाहिर सी बात है इसकी एनाटॉमी तो आनी ही चाहिए। आप मतलब फंक्शन किसके याद कर रहे हो, आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि वो स्ट्रक्चर की एनाटॉमी क्या है, वो कैसा दिखता है। तो आज अपन इसकी पूरी एनाटॉमी अच्छे से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि ये बेसल गैंग्लिया जो है वो अपने इस सेरेब्रल हेमिस्फीयर के अंदर प्रेजेंट है, तो इसलिए अपन इसको बोलते हैं सब कॉर्टिकल। यहाँ पे कॉर्टिकल का मतलब क्या है, जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है ना, उसी को अपन सेरेब्रल कॉर्टेक्स भी बोलते हैं। तो ये इस सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर है, तो इसलिए अपन अपनी बेसल गैंग्लिया को बोलते हैं सब कॉर्टिकल इंट्रा सेरेब्रल मास ऑफ ग्रे मैटर। मैंने आपको बताया कि ये इस सेरेब्रल हेमिस्फीयर के अंदर है, इसलिए ये है इंट्रा सेरेब्रल, और ये ग्रे मैटर के बने हुए होते हैं, इसलिए ये है इंट्रा सेरेब्रल मास है ग्रे मैटर के। और ये यार मेनली क्या फॉर्म कर रहे हैं, ये मेनली अपना एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम जो अपना स्पाइनल कॉर्ड में होता है ना, वो ये फॉर्म करते हैं। इसको भी मैं और डिटेल में आपको फिर से रिवाइज करवाऊँ। तो यार, अपन ने अपनी ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक्स की वीडियो में देखा था कि अपने ये जो डिसेंडिंग ट्रैक्स हैं वो अपने ब्रेन से टिश्यू तक आते हैं। मेनली वो करते क्या है, सारा मोटर इम्पल्स वो ब्रेन से कैरी करते हैं और अपने टिश्यू तक ये ले जाते हैं। तो मैं आपको फिर से अगर ये रिवाइज करवाऊँ, तो आप मेरा ये वाला डायग्राम देखो, तो आप इसमें क्लियरली देख पा रहे हो, ये जो रेड से मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये अपने हैं डिसेंडिंग ट्रैक्स, जो अपने ब्रेन से ये नर्व फाइबर्स निकलते हैं और टिश्यू तक जाते हैं। उन डिसेंडिंग ट्रैक्स में से ये जो आपको आगे की तरफ ये जो दिख रहे हैं ना, ये अपने कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक, मैंने आपको वहाँ पे भी इसका मीनिंग बताया था। कॉर्टिको का मतलब होता है ये अपने सेरेब्रल कॉर्टेक्स से अराइज होंगे, और यहाँ पे स्पाइनल का मतलब ये है कि वो अपने फिर स्पाइनल कॉर्ड में आ जाते हैं, इसलिए अपन इसे बोलते हैं कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक। तो टोटल अपने दो कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक होते हैं अपने स्पाइनल कॉर्ड में, एक वेंट्रल में, ये वेंट्रल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक, और ये लेटरल साइड में, ये लेटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक। तो अब क्या होता है, इन दो कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्स को छोड़ के जितने भी अपने ट्रैक्स प्रेजेंट है ना, उन सारे ट्रैक्स को अपन बोलते हैं एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम। मेनली जो कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्स हैं, ये मैंने आपको स्पाइनल कॉर्ड की वीडियो में भी बताया था, इन ट्रैक्स को अपन बोलते हैं पिरामिडल सिस्टम। और इन कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्स के अलावा जितने भी ट्रैक्स प्रेजेंट हैं, उन्हें अपन बोलेंगे एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम। तो यार, ये जो बेसल गैंग्लिया जो है,
ये अपने वही सारे जितने भी अपने ये एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम है ना, वो उस एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम को फॉर्म करने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है। तो मैंने आपको सबसे पहले ये बताया कि अपना बेसल गैंग्लिया इस सेरेब्रल हेमिस्फेयर के डीप में प्रेजेंट होता है। ये अपने होते हैं सब कॉर्टिकल और ये ग्रे मैटर से बने हैं और ये अपने एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम को यार फॉर्म कर रहे हैं। तो आप यार ये चीज़ देखो, तो यार अगर आप मेरी वीडियो देखते हो तो उसका आपको यही फ़ायदा मिलता है। मैं आपको एक एक वर्ड्स का क्या मीनिंग बताता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे हो मैंने एक एक इसके वर्ड का मीनिंग बताया। मेरी यार यही कोशिश रहती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करूँ चीज़ें डिटेल में, ताकि आपको चीज़ें रटी नहीं ना पड़े। तो इसी तरीके से और वीडियो देखने के लिए तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हो, तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अभी तक अपन अपने BDC की 3 वॉल्यूम में पूरी अपलोड कर चुका हूँ। ये अपनी BDC की 4th वॉल्यूम अपन पढ़ रहे हैं जो कि है न्यूरो एनाटॉमी। तो अपन ने इसकी अब डेफिनेशन तो देख ली, अब अपन देखते हैं कि बेसल गैंग्लिया में कौन कौन से स्ट्रक्चर आते हैं। तो उसको देखने के लिए क्या तुम्हें मेरा सबसे पहले ये 3D मॉडल देखना पड़ेगा। तो यार इसको समझाने से पहले मैं तुम्हें फिर से लेटरल वेंट्रिकल का कंसेप्ट रिवाइज करवा देता हूँ। तो क्या होता है मैं आपको बताऊँ, अपने इस पूरे ब्रेन के अंदर अपन को कुछ स्पेसेस देखने के लिए मिलती हैं, उसे अपन बोलते हैं वेंट्रिकल। तो मैं अपना ये ब्रेन जो है इसको हाइड करता हूँ, ये मैंने आपके लिए हाइड करा। अब आप देखिए, तो आपको यहाँ पे ये जो ग्रीन से जो स्पेस दिख रही है ना, इसे ही अपन बोलते हैं वेंट्रिकल। अगर मैं इसे आपके लिए सेपरेट करूं तो आपको दिखाई पड़ेगा ये कुछ इस तरीके से अपना पूरा वेंट्रिकल होता है। टोटल अपन ने देखे थे अपने 4 वेंट्रिकल्स होते हैं। यहाँ पे आप खुद देख पा रहे हो ये 2 बड़े से लेटरल वेंट्रिकल, और ये जो लेटरल वेंट्रिकल है ना यार, उसी के अंदर अपना पूरा बेसल गैंग्लिया प्रेजेंट होता है। इसलिए अपन क्या लेटरल वेंट्रिकल एक बार और रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि तब अपन जब इस सारे स्ट्रक्चर देखेंगे ना तो उसके रिलेशन आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। तो ये अपने होते हैं 2 लेटरल वेंट्रिकल, देन लेटरल वेंट्रिकल अपना ओपन होता है इस 3rd वेंट्रिकल में जो कि चपटा सा है, देन ये 3rd वेंट्रिकल अपना अल्टीमेटली ओपन होता है अपने इस 4th वेंट्रिकल में। और 4th वेंट्रिकल की बेसिकली मैं वीडियो पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा। ये 4 वेंट्रिकल्स को यार अपन अच्छे से डिटेल में और पढ़ते हैं फर्दर, तो मैं सारी वीडियोस डाल दूंगा। अभी आप यहाँ पे लेटरल वेंट्रिकल समझ लो, तो ये जो अपना लेटरल साइड में ये जो 2 वेंट्रिकल प्रेजेंट हैं उन्हें अपन बोलते हैं लेटरल वेंट्रिकल। और ये जो लेटरल वेंट्रिकल है आप खुद देख पा रहे हो इसके होते हैं मेनली 2 पार्ट्स। एक ये जो बीच में जितना भी लेटरल वेंट्रिकल का पार्ट है ना, उसे अपन बोलते हैं लेटरल वेंट्रिकल का सेंट्रल पार्ट। उसके अलावा इस सेंट्रल पार्ट के अलावा इसके अब होते हैं 3 हॉर्न्स। मैं हॉर्न के बारे में समझाऊं, ये आप देखो ये इसके सेंट्रल पार्ट से ये थोड़ा सा एक पार्ट आगे की तरफ एक्सटेंड कर रहा है ना, इससे ही अपन बोलते हैं लेटरल वेंट्रिकल का इंटीरियर हॉर्न। ये आप देख रहे हो, देन जैसा एक इंटीरियर में है वैसा एक पोस्टीरियर में भी प्रेजेंट है। ये लेटरल वेंट्रिकल का ये है पोस्टीरियर हॉर्न, और ये इसके नीचे की तरफ ये इसका है इन्फीरियर हॉर्न। तो ये मैंने आपको फिर से पूरा लेटरल वेंट्रिकल बता दिया, इसको फर्दर अपन डिटेल में अपनी लेटरल वेंट्रिकल की वीडियो में पढ़ेंगे। तो अब आप खुद देखो ये इस लेटरल वेंट्रिकल के अंदर की तरफ ये पूरा अपना यहाँ पे ये अपना पूरा है लेटरल वेंट्रिकल, और उसके अंदर ये पूरा अपना प्रेजेंट है बेसल गैंग्लिया। ये आप देख पा रहे हो, इसलिए मैंने आपको पूरा लेटरल वेंट्रिकल अच्छे से डिटेल में रिवाइज करवाया। तो सबसे पहले बेसल गैंग्लिया में अपना आता है क्वाड्रेट न्यूक्लियस। इसको मैं दिखाऊं आपको, ये आप देखो ये आपको ये बड़ा सा ये पूरा सी शेप का नहीं दिख रहा, ये सी शेप का ये जो पूरा न्यूक्लियस दिख रहा है ये ऊपर की तरफ देखो ये पूरा, इसी को अपन बोलते हैं क्वाड्रेट न्यूक्लियस। तो सबसे पहले इसमें एक पूरा सा सी शेप का न्यूक्लियस है, उसे अपन बोलते हैं क्वाड्रेट न्यूक्लियस। देन इस क्वाड्रेट न्यूक्लियस के जस्ट अंदर
ये आपको एक और स्पेरिकल न्यूक्लियस दिख रहा होगा, तो इसको अपन बोलते हैं प्यूटेमेन। ये आप देख पा रहे हो ना बीच में, ये जो है तो इसका नाम है प्यूटेमेन। देन इस प्यूटेमेन के अंदर अगर मैं इसको हाइड करूँ आपको, तो अब अंदर देखो इस प्यूटेमेन के अंदर ये आपको ये जो न्यूक्लियस दिखेगी ना, तो इस न्यूक्लियस को अपन बोलते हैं ग्लोबस पेलिडस। ये आपको दिख पा रहा है, टोटल यहाँ पे यार दो ग्लोबस पेलिडस होते हैं। ये एक इंटीरियर में जो है इसे अपन बोलते हैं, ये एक जो लेटरल में जो है इसे अपन बोलते हैं लेटरल ग्लोबस पेलिडस। लेटरल के अंदर एक रहेगी मीडियल ग्लोबस पेलिडस। तो टोटल मैंने आपको क्या बताया अभी तक, एक अपनी ये सी शेप की न्यूक्लियस है उसे अपन बोलेंगे क्वाड्रेट न्यूक्लियस। देन इस क्वाड्रेट न्यूक्लियस के अंदर अपनी प्रेजेंट थी प्यूटामेन और अपनी दो ग्लोबस पेलिडस। अब यार यहाँ पे क्या इनने फर्दर और इसको नेमिंग कर दी, ये जो अपना प्यूटेमेन था ना ये वाला, और अपने वो दोनों ग्लोबस पेलिडस, इन दोनों को मिलके अपन अब बोलने लगते हैं लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। तो आपको यार ये डायरेक्ट याद होना चाहिए, पीजी के भी एमसीक्यूज में बनता है कि लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस में क्या क्या आता है। तो आप इसे याद कर लो, लेंटिफॉर्म में आता है पीजी, तो आप इसको पी और जी से याद कर लो। तो लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस अपना बनता है पीजी से, एक अपना प्यूटेमेन से और दो ग्लोबस पेलिडस से। और अपना ये लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस और ये जो अपना सी शेप का न्यूक्लियस है ना, अपना एक क्वाड्रेट न्यूक्लियस, इन दोनों को मिला के अब अपन बोलने लगते हैं क्वाड्रेट स्ट्रेटम। तो यहाँ पे यार कुछ फर्दर और नेम है जो आपको याद करने पड़ेंगे, एक ये लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस जिसमें अपना आ रहा है पीजी, और लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस प्लस क्वाड्रेट न्यूक्लियस, इन दोनों को मिला के अपन बोलने लगते हैं क्वाड्रेट स्ट्रेटम। तो ये आपको दोनों समझ में आ गए होंगे। उसके अलावा मैं आपको दिखाऊं, अब यहाँ पे जूम करना पड़ेगा मुझे। ये आप देखो, ये अपना पूरा अपन देख रहे हैं बेसल गैंग्लिया, और उसके अंदर ये आपको अब एक छोटी सी स्पेरिकल बॉडी दिख रही होगी, इसको अपन बोलते हैं इमिग्डिलॉइड बॉडी। ये आप देख रहे हो ना, तो ये अपनी है इमिग्डिलॉइड बॉडी। और ये बेसिकली यार ये एक्चुअली में अपना रिस्पॉन्सिबल होती है इमोशंस के लिए, जो जितना भी अपना इमोशनल जितना भी अपना इमोशनल बिहेवियर है ना, तो उन सब के लिए अपनी ये छोटी सी स्पेरिकल बॉडी होती है रिस्पॉन्सिबल, जिसे अपन बोलते हैं इमिग्डिलॉइड बॉडी। उसके अलावा मैं आपको अगर एक और स्ट्रक्चर दिखाऊं, आप ये खुद देखो, ये अपने लेटरल वेंट्रिकल के नीचे, ये आपको एक और स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, मैं इसको सेपरेट करता हूं आपके लिए। ये देखो आप, ये कुछ इस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर है, इसको अपन बोलते हैं फॉर्नेक्स। ये आप देख रहे हो, तो ये टोटल ये अपना है फॉर्नेक्स। और इस फॉर्नेक्स की खास बात देखो, इस फॉर्नेक्स के एक एंड पे ये जो स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है ना आपको, इसको अपन बोलते हैं हिप्पोकैम्पस। और ये हिप्पोकैम्पस यार ये वही स्ट्रक्चर है जो कि अपने शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में चेंज करता है। तो जितना भी आप चीज़ें याद करते हो या रटते हो ना, तो उसके लिए यार यही रिस्पॉन्सिबल है अपना हिप्पोकैम्पस। उसके बाद हिप्पोकैम्पस के बाद ये अपना पूरा भी जितना भी जो पार्ट आ रहा है, इसे अपन बोलते हैं फॉर्नेक्स। और इस फॉर्नेक्स के दूसरे एंड पे ये जो एक और जो स्पेरिकल बॉडी अटैच है, इसे अपन बोलते हैं मेमोरी बॉडी। तो ये कुछ इस तरीके से अपना फॉर्नेक्स का स्ट्रक्चर होता है। ये बेसिकली अपना पूरे इस लेटरल वेंट्रिकल के, ये जो लेटरल वेंट्रिकल है ना अपने, उसके ये साइड में प्रेजेंट है, ये आपको दिख रहा होगा। तो ये सारे स्ट्रक्चर यार एक दूसरे के साथ रिलेशन बना रहे हैं, और आप खुद देख रहे हो कितना डीप में प्रेजेंट है ये फॉर्नेक्स। तो ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर है। देन यार अब यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर अपना बच गया बेसल गैंग्लिया का, और ये बेसिकली इसको अपन बोलते हैं कोलोस्ट्रम। और ये जो कोलोस्ट्रम जो है, ये बेसिकली अपना ये सारे बेसल गैंग्लिया को सपोर्ट करने का काम करता है। तो यार इसको समझाने के लिए डिटेल में कहाँ पे प्रेजेंट है, आपको अब मेरा ये वाला डायग्राम देखना पड़ेगा। तो ये सबसे पहले ये अपना है सेरेब्रल हेमिस्फीयर। अगर मैं क्रॉस सेक्शन दिखाऊँ आपको, तो अभी अपन क्या अपने पूरे ब्रेन को, मैं दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर लाता हूँ, ये अभी अपन इस क्रॉस सेक्शन में देख रहे हैं। तो ये अपना है सेरेब्रल हेमिस्फीयर, और उसके डीप में
उसके अंदर ये अपना प्रेजेंट है बेसल गैंगलिया। देन अब अपन क्या करते हैं, इस पूरे सेरेब्रल हेमिस्फीयर को इस क्रॉस सेक्शन में कट करते हैं बिल्कुल बीच से। ये आपको लाइन भी दिख रही होगी, ये देख रहे हो आप। तो जब अपन इस पूरे सेरेब्रल हेमिस्फीयर को इस क्रॉस सेक्शन में कट करेंगे और फिर ऊपर से देखेंगे ऐसा सुपीरियर व्यू में, तो आपको कुछ इस तरीके से पूरा ब्रेन दिखाई पड़ेगा। मैं आपको इधर से दिखाता हूँ तो आपका और अच्छे समझ में आएगा। और यार बेसिकली मैं आपको बताऊँ ये अपन क्यों पढ़ रहे हैं इतना डिटेल में, क्योंकि जब अपन एमआरआई वगैरह करवाते हैं ना, तो उसमें अपन को ब्रेन ऐसा ही दिखाई पड़ता है अपने एमआरआई में। तो यहाँ पे तुम देखो, जब अपने ब्रेन को जब अपन इस तरीके से कट करके देखेंगे, तो आपको यहाँ पे बीच में आपको ये बेसल गैंगलिया भी दिखेंगी। तो अपन जब एमआरआई करवाते हैं ना, तो अपन को पूरा दिखाई पड़ता है, इसकी ये बेसल गैंगलिया भी दिखाई पड़ती हैं। इस डायग्राम को अगर मैं और समझाऊँ आपको, तो ये खुद देख पा रहे हो आप, ये दो अपने हैं सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ये आप देख रहे हो ना, तो ये दोनों अपने होते हैं सेरेब्रल हेमिस्फीयर। और इस सेरेब्रल हेमिस्फीयर के डीप में ये अपने प्रेजेंट है पूरे बेसल गैंग्लिया। तो सबसे पहले आप ये देखो, ये आपको तीन स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, ये जो तीन स्ट्रक्चर जो सीक्वेंस से दिख रहे हैं ना, ये अपने वही स्ट्रक्चर हैं जिन्हें अपन बोलते हैं लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। तो ये तीनों अपने लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस हैं, जिसके अंदर अपना सबसे बाहर है ये प्यूटामेन, देन दोनों ग्लोबस पेलिडस। तो ये अपना है लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, आप ये खुद देखो, ये जब कट करेंगे ना अपन, तो आपको दिखेगा लेंटिफॉर्म। देन इसके पीछे की तरफ ये अपना एक्चुअली में ये है थैलेमस। ये क्या होता है, पूरे बेसल गैंग्लिया के डीप में ये आपको दो और स्ट्रक्चर देख रहे हो ना आप, इसे अपन बोलते हैं थैलेमस। तो क्या इस बेसल गैंग्लिया के और डीप में अपना थैलेमस प्रेजेंट होता है, मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं तो और अच्छे से दिखाई पड़ेगा। ये मैंने पूरा सेरेब्रल हेमिस्फीयर हाइट करा, देन ये पूरा अपन करते हैं प्यूटामेन हाइट, देन दोनों ग्लोबस पेरिडस, देन ये अंदर ये जो आपको अब स्ट्रक्चर देखने के लिए मिल रहा है ना, इसे ही अपन बोलते हैं थैलेमस। तो ये अपना पूरा है थैलेमस। तो जब आप खुद देखो, जब अपन पूरे सेरेब्रल हेमिस्फीयर को इस क्रॉस सेक्शन में कट करेंगे ना, तो अपना ये थैलेमस भी कट होगा। तो ये अपना पूरा आ रहा है थैलेमस। देन आगे की तरफ ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो अपने एमआरआई वाले डायग्राम में, ये अपना है क्वाड्रेट न्यूक्लियस। तो आप खुद देख पा रहे हो, ये जो अपना क्वाड्रेट न्यूक्लियस है, ये इस तरीके का पूरा सी शेप का है। लेकिन जब अपन उसको ऐसे कट करेंगे, तो सिर्फ क्वाड्रेट न्यूक्लियस का इंटीरियर पार्ट, हेड वाला सेक्शन ही कट होगा। तो वही आपको इस डायग्राम में भी दिख रहा है आगे, ये इंटीरियर हेड वाला पार्ट जो कि अपना है क्वाड्रेट न्यूक्लियस, और ये तीनों फिर अपने लेंटिफॉर्म, और ये वाला अपना है थैलेमस। तो यार ये वाला डायग्राम जो है ना, आपको अच्छे से याद भी होना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी में यही डायग्राम अपन बना के आएंगे अपने बेसल गैंग्लिया का। ये लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, ये क्वाड्रेट न्यूक्लियस, और ये थैलेमस। तो यार अब मैं आपको एक और यहाँ पे कंसेप्ट समझाना चाहता हूँ, वो है इंसुला का कंसेप्ट, कि ये मेनली इंसुला क्या होता है। तो उसको देखने के लिए तुम्हें मेरा ये डायग्राम देखना पड़ेगा। तो यार अब तुम यहाँ पे देखो, ये देखो, ये अब अपन क्या कर रहे हैं, ये जो मेरा पूरा ब्रेन है ना, मैं इसको यहाँ पे लाता हूँ आपके लिए, ये देखिए, ये जो अपना पूरा ब्रेन है, अभी इस अपन पूरे ब्रेन को इंटीरियर क्रॉस सेक्शन में देख रहे हैं। अपन ने क्या करा, इस क्रॉस सेक्शन में पहले इस क्रॉस सेक्शन में कट करा ब्रेन को, और फिर इसे अपन इंटीरियर में देखेंगे, तो अपन को फिर एक ये वाला डायग्राम मिलेगा। तो इस डायग्राम में आप देख पा रहे हो, बीच में अपना पूरा प्रेजेंट है बेसल गैंग्लियास, और ये अपना है, और ये अपना है फ्रंटल लोब, और ये है अपना टेम्पोरल लोब। अगर मैं इसको ये वाला डायग्राम दिखाऊं, तो अब आप देखिए, तो ये अपना पूरा है फ्रंटल लोब, आप नीचे की तरफ देखो, ये अपना पूरा है फ्रंटल लोब, और ये अपना है टेम्पोरल लोब। तो ये जो टेम्पोरल लोब है ना यार, ये कुछ इस तरीके से होता है, ये आप यहाँ पे देखो, ये टेम्पोरल लोब क्या कर रहा है, अपने
इस फ्रंटल लोब को थोड़ा सा कवर कर देता है इंटीरियर में। ये अगर आप देख पा रहे हो, ये टेम्पोरल लोब पूरे इस फ्रंटल लोब को थोड़ा सा नीचे से कवर कर रहा है। तो क्या करते हैं, अगर अपन ऐसा दो प्लेट लें और अपने ब्रेन में इस तरीके से इस दोनों अपने फ्रंटल लोब और पैराइटल लोब इन दोनों को ऐसे एक्सटेंड करें ना, तो फिर अपन को ये अंदर की तरफ एक और ब्रेन का पार्ट देखने को मिलेगा और इसी को अपन बोलते हैं इंसुला। यार अभी अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये ब्रेन को अपन इस क्रॉस सेक्शन में देख रहे हैं इंटीरियर में, तो अपन ने क्या करा, ये यहाँ पे देखो, ये अपना है फ्रंटल और ये है अपना टेम्पोरल लोब, ठीक है। देन आप खुद देख रहे हो ये अपने फ्रंटल और इस टेम्पोरल लोब के अंदर ये आपको एक और लोब देखने को मिल रहा है, छोटा सा स्ट्रक्चर, इससे अपन बोलते हैं यार इंसुला। मैं आपको दिखाऊं, अगर इन दोनों लोब को अपन ऐसे खींचेंगे तो आपको और डिटेल में दिखेगा। तो यार मैं आपको इतने डिटेल में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बेसिकली लोगों को ये इमेजिन नहीं हो पाता है इंसुला का कंसेप्ट। तो ये अपना होता है इंसुला, और इस इंसुला के जस्ट साइड में ये आप देख पा रहे हो ये वाला डायग्राम, ये अपना पूरा है इंसुला, और इस इंसुला के साइड में ये जो पिंक से ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये एक्चुअली में अपना है कैलोस्ट्रम। और यार ये कैलोस्ट्रम मैंने आपको बताया ये बेसल गैंग्लिया को फर्दर और सपोर्ट करता है। अगर आप इस तरीके से इस डायग्राम में देखोगे ना तो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने पूरा डिटेल में आपको पहले इंसुला समझाया फिर ये कैलोस्ट्रम समझाया। अगर मैं इस MRI में भी दिखाऊँ आपको तो आपको और अच्छे से दिखाई पड़ेगा। ये आप देखिए, ये आपको दिखा, ये छोटा सा अपना है इंसुला, और उस इंसुला के जस्ट पीछे ये जो पार्ट है ना ये ही है अपना कैलोस्ट्रम, और उसके जस्ट साइड में ये अपना पूरा लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस आ रहा है। तो यार ये कुछ इस तरीके से होता है। मैंने आपको पूरा बेसल गैंग्लिया के सारे स्ट्रक्चर बता दिए, अब अपन को करना क्या है, सिर्फ इन सारे स्ट्रक्चर्स को और फर्दर डिटेल में पढ़ना है कि इनका शेप क्या है और ये किसके साथ रिलेशन बना रही हैं, क्योंकि मेनली अपन को यही पढ़ना, क्योंकि मेनली यार इनके रिलेशन ही इंपॉर्टेंट है जब अपन सर्जरी वगैरह करते हैं उसके लिए। तो सबसे पहले आप ही देखो क्वाड्रेट न्यूक्लियस, तो ये क्वाड्रेट न्यूक्लियस जैसे मैंने आपको बताया ये अपनी एक सी शेप की न्यूक्लियस होती है। मैं फिर से आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, तो ये आप मेरा 3D मॉडल लीजिए, मैं यहाँ पर ये हटाता हूँ आपको, तो अब आप देखिए, तो ये अपना पूरा सी शेप का स्ट्रक्चर है क्वाड्रेट न्यूक्लियस, और ये अपना पूरा था लेटरल वेंट्रिकल। तो आप खुद देख रहे हो ये अपना क्वाड्रेट न्यूक्लियस पूरे लेटरल वेंट्रिकल को यार सराउंड कर रहा है। देन इसके तीन पार्ट हैं, एक इसके इंटीरियर में इसका हेड, देन इसकी पीछे बॉडी, देन नीचे की तरफ इसकी है टेल। तो इसके रिलेशन यार तुम 3D में देखोगे ना तुम्हें ऐसे फिंगर टिप्स पे याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले अपन सिर्फ इसकी ये ग्रीन वाले सारे रिलेशन याद करेंगे जो कि इसके लेटरल वेंट्रिकल के साथ हैं। इसके ये इंटरनल कैप्सूल के रिलेशन अभी मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि अपनी नेक्स्ट जो वीडियो है ना वो इसी इंटरनल कैप्सूल के ऊपर होने वाली है। मैं इसका कंसेप्ट आपको बताऊँ इंटरनल कैप्सूल का, तो क्या होता है, ये जो अपने बेसल गैंग्लिया जो है उसके बीच में ये जितना भी अपना पार्ट बच रहा है ना इस सेरेब्रल हेमिस्फीयर का, इसे ही अपन बोलते हैं इंटरनल कैप्सूल। और ये इंटरनल कैप्सूल भी यार बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी का सेपरेट टॉपिक है, उसको अपन बाद में डील करेंगे। तो मैं अभी आपको इसके रिलेशन बता रहा था। तो अपने क्वाड्रेट न्यूक्लियस आप खुद देखो, इसका जो हेड है वो अपने लेटरल वेंट्रिकल के इंटीरियर हॉर्न के साथ रिलेशन बना रहा है। तो आप अच्छे से याद कर लेना कि अपने बेसल गैंग्लिया का जो हेड है वो अपने लेटरल वेंट्रिकल के इंटीरियर हॉर्न के साथ रिलेशन बनाएगा। देन इसकी जो बॉडी है ना इसके सेंट्रल वाले पार्ट के साथ रिलेशन बनाती है, और इस क्वाड्रेट न्यूक्लियस की ये नीचे वाला ये टेल वाला हिस्सा अपने इस क्वाड्रेट न्यूक्लियस के इंफीरियर हॉर्न के साथ रिलेशन बना रहा है। तो अगर आप 3D में देखते हो तो बड़े इजीली तौर पर सारे रिलेशन याद हो जाते हैं आपको।
देन अपन बात करें इस लेंटिफॉर्म न्यूक्लियाइस की, तो मैंने आपको बताया उसमें दो पार्ट्स आते हैं, एक प्यूटामैन और अपने दो ग्लोबस पेलिडस। तो ये आप पूरा देखो, ये लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस क्या कर रहा है, ये मैंने आपको बताया ना, ये वी शेप वाले स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं इंटरनल कैप्सूल। तो आप याद कर लेना, तो ये पूरा लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस इस इंटरनल कैप्सूल के साथ रिलेशन बना रहा है। मैं फिर से MRI दिखाऊंगा आपको, तो आपको दिखेगा ये अपना पूरा लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस है। तो आप खुद देखो, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस जो है वो लेटरल साइड में आ रहा है, ये बीच वाला अपन बोलते हैं मीडियल, ये अपना लेटरल। तो ये पूरा लेंटिफॉर्म अपना लेटरल साइड में आ रहा है, और ये अपना क्वाड्रेट न्यूक्लियस और थैलेमस उसके बीच में, ये आपको वी शेप की स्पेस दिख रही है ना, उसके जस्ट आगे अपना है, उसके जस्ट आगे अपना ये है लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। तो यहाँ पे ये जो वी शेप की स्पेस है वो अपना है एक्चुअली में पूरा इंटरनल कैप्सूल। और आप खुद देख रहे हो, आप खुद देख रहे हो कि ये जो लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस है वो इस इंटरनल कैप्सूल का अपना बना रही है लेटरल बाउंड्री। तो इस तरीके से अपन ने इसकी देखी लेटरल बाउंड्री। देन फिर अपन देखते हैं ये लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस की एक्चुअली में होती है तीन सरफेस, एक इसकी ये पूरी लेटरल साइड में जो सरफेस है उसे अपन बोलेंगे लेटरल सरफेस। जाहिर सी बात है इसके लेटरल सरफेस में क्या आ रहा है, इसके लेटरल सरफेस में अपना ये आ रहा है इंसुला, जो मैंने आपको बताया था ना डिटेल में। तो इसके लेटरल साइड में अपना ये आ रहा है इंसुला, और इंसुला के जस्ट अंदर अपना प्रेजेंट था केलोस्ट्रम। तो आप क्या चीज़ों को रटो मत, इमेजिन कर लो, तो ऑटोमेटिकली सारे रिलेशन तुम्हें याद हो जाएंगे कि अपने लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस के लेटरल सरफेस का रिलेशन बन रहा है इंसुला से। देन आप देखो, ये इसकी है मीडियल सरफेस, और ये नीचे की तरफ ये है इन्फीरियर सरफेस। तो इसकी मीडियल सरफेस में क्या आ रहा है, अपना सबसे पहले इंटरनल कैप्सूल और अपना एक क्वाड्रेट न्यूक्लियस, तो दोनों वही रिलेशन लिख देना। देन इसके इन्फीरियर सरफेस में अपना मेनली थैलेमस और वही इंटरनल कैप्सूल आ रहा है रिलेशन में। तो यार कुछ इस तरीके से सारे आप इसके रिलेशन याद कर सकते हो। उसके बाद अपने दो छोटे से और स्ट्रक्चर बच गए, एक अपना इमिग्डलॉइड बॉडी और एक अपना कैलेस्ट्रॉम। तो इस इमिग्डलॉइड बॉडी के बारे में मैं आपको बताऊं, तो बेसिकली ये अपना क्या है, न्यूक्लियर मास है, छोटा सा मैंने आपको 3D मॉडल में दिखाया था। ये अपना रहता है मेनली टेम्पोरल लोब में, और जो अपना इन्फीरियर हॉर्न होता है ना लेटरल वेंट्रिकल का, ये उसके साथ अपना रिलेशन में आ रहा है। ये मैं दिखाऊंगा आपको, ये यहाँ पे ये देखो आप, ये दिखा छोटा सा, यही अपना इमिग्डलॉइड बॉडी, ये अपना टेम्पोरल लोब में है, और ये अपना है इन्फीरियर हॉर्न लेटरल वेंट्रिकल का, ये है अपना इन्फीरियर हॉर्न, और इसी इन्फीरियर हॉर्न के साथ ये अपना रिलेशन भी बना रहा है। उसके अलावा फंक्शनल देखें तो इसका एक ही फंक्शन है कि ये इमोशनल कंट्रोल करता है अपना। देन फिर लास्ट में अपन देखते हैं इस कैलोस्ट्रम को, तो यार इसका सिर्फ आप सिचुएशन याद कर, तो यार इसका सिर्फ आप सिचुएशन याद कर लो कहाँ सिचुएटेड है। तो मैंने आपको बताया जो अपना इंसुला था ना, ये इस इंसुला और ये लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस की सबसे पहली वाली न्यूक्लियस, जिसे अपन बोलते हैं पुटामैन, जिसे अपन बोलते हैं प्यूटेमैन, इन दोनों के बीच में आ रहा है। तो बस इतना याद कर लो, इसमें इतना काफ़ी है इसके एनाटॉमी में। तो ये पूरा मैंने आपको बता दिया बेसल गैंगलिया। तो अब मैं इसके आपको स्क्रीनशॉट देता हूँ, और ये भी बताता हूँ उसे यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है। तो यार स्क्रीनशॉट में अच्छी क्वालिटी नहीं आया, तो आपको पता है मेरी जाना है इंस्टाग्राम आईडी पे, वहां मैं HD में नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। यार बेसल गैंग्लिया से ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपना होता है ये इंटरनल कैप्सूल, यूनिवर्सिटी में ये ज़्यादा आता है, उसकी लिंक आई बटन में मिल जाएगी, उसको भी मैंने डिटेल में पढ़ाया है। लेकिन कभी ये बेसल न्यूक्लियस भी लेकिन कभी बेसल गैंग्लिया भी यूनिवर्सिटी में आ गया ना, तो तुम्हें करना क्या है, इसकी पहले डालना हेडिंग, फिर इसके इंट्रोडक्शन के पॉइंट लिखना,
फिर तुम बस इन एक एक को और अच्छे से डिटेल में समझाना कि क्वाड्रेट न्यूक्लियस के क्या शेप है, क्या रिलेशन है। बेसिकली इसके रिलेशन ही देखने हैं आपके एग्जामिनर को, क्योंकि जब सर्जरी वगैरह करते हैं अपन तो ये क्लिनिकल में इंपॉर्टेंट होता है। आपको पता भी होना चाहिए ना जब आप सर्जरी कर रहे हो, तो यार ये स्ट्रक्चर किधर है, किसके से रिलेशन बना रहा है। इसलिए मैंने पूरा डिटेल में आपको अच्छा बताया, इसलिए मैंने पूरा आपको डिटेल में बताया। वीडियो से हेल्प हुई तो वीडियो को लाइक करना मत भूल, वीडियो से हेल्प हुई तो वीडियो को लाइक करना, और इसी तरीके से देखते रहो दिस आवर यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।